हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के लिए एक सेशन लाया गया है, जिसमें हम राजस्थान के जो प्रमुख त्यौहार हैं उन प्रमुख त्यौहारों को हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और इसी प्रकार हम एक दो से तीन सेशनों में हम इन त्यौहारों को कम्प्लीट करेंगे। आइए दोस्तों, इस जो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हैं उनको ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमने RRB, JEE, NTPC और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं के लिए मैथ और स्टैटिक GK की क्लासें एम के स्टडी चैनल पर शुरू की गए हैं। यह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराई जाएंगी। और दोस्तों आइए और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चैत्र माह के जो त्यौहार होते हैं, इन चैत्र माह के त्यौहारों को याद करने की ट्रिक है। चैत्र शुरू की उजियाली में नव संबत नवरात्रे आवे, तीन को गौरी नौ को रामी, चैत्र पूर्ण अनुमान करावे, चैत्र की काली धूल खिलावे और आठों शीतल गुड़ला लावे। ये दोस्तों चैत्र माह के त्यौहारों को याद करने की एक ट्रिक है, जिसमें हम उन प्रमुख त्यौहारों को याद करेंगे जो चैत्र माह में पड़ते हैं। दोस्तों चैत्र शुरू की उजियाली, इसमें उजियाली का अर्थ होता है, इसे हम शुक्ल पक्ष, इस उजियाली का अर्थ होता है अर्थात जो नव संबत है, नव संबत, ये नव संबत का त्यौहार, ये नव संबत की जो शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन होती है। और इसी दिन से ही हिंदी महीने के हिसाब से जो नव वर्ष है वह नव वर्ष मनाया जाता है, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से जो नव वर्ष है 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हिंदी माह के अनुसार यह चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन ही नववर्ष क्या होता है मनाया जाता है। नवरात्रे आवे, नवरात्रे, इस नवरात्रि का जो त्यौहार है यह चैत्र शुक्ल प्रथमा के दिन से ही इसकी क्या हो जाती है, वो शुरुआत हो जाती है। तीन को गौरी, जो गौरी, इसका अर्थ होता है गणगौर, यह गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। और इसमें गढ़ का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती, यह शिव पार्वती की आराधना में ये गढ़गौर का त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। नौ को रामी और रामनवमी, यह त्यौहार रामनवमी, यह चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ही रामनवमी मनाई जाती है और इसमें भगवान राम के जन्म से संबंधित यह होता है। चैत्र पूर्ण अनुमान करावे, हनुमान जयंती, यह चैत्र पूर्णिमा के दिन जो हनुमान जयंती है वो मनाई जाती है। अगला चैत्र की काली, इसमें दोस्तों इस काली का अर्थ होता है कृष्ण पक्ष, क्या होता है कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण का अर्थ होता है काला, तो आप इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं कि चैत की काली धूल खिलावे यानी कि दुलंडी, यह दुलंडी का जो त्यौहार है चैत्र कृष्ण प्रथमा के दिन यह मनाया जाता है। और आठों शीतल गुड़ला लावे, आठों शीतल, इस दिन शीतलाष्टमी, शीतला माता की पूजा की जाती है और यह त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यह शीतलाष्टमी का जो मेला है वो लगता है। अगला गुड़ला, यह गुड़ला का जो पर्व है यह चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही गुड़ला पर्व मनाया जाता है। और ये गुड़ला पर्व जोधपुर में, और ये गुड़ला पर्व जोधपुर में सातल देव के द्वारा इसकी
शुरुआत जोधपुर में की गई। दोस्तों, ये चैत्र माह के त्योहारों को याद करने की ट्रिक है। इसे एक बार देखते हैं। चैत शुरू की उजियाली में नव संवत नवरात्रि आवे, तीन को गौरी नौ को रामी, चैत्र पूर्ण हनुमान करावे और चैत की काली दूल खिलावे, आठों शीतल गुड़ला लावे। और अगला हिंदी माह देखते हैं बैसाख। जो बैसाख माह है, इसमें जो प्रमुख एक तो अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती और बुद्ध पूर्णिमा, ये तीन प्रमुख त्यौहार आते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है कि बेसी उजली अक्षय तृतीया चौदस को नरसिंह खावे, बैसे तू पूरो बुद्धू, अब तू यहाँ से क्यों ना जावे। ये दोस्तों बैसाख माह के त्योहारों को याद करने की ट्रिक है। इसमें बेसी उजली अक्षय तृतीया, उजली का अर्थ होता है शुक्ल पक्ष, क्या होता है शुक्ल पक्ष, तो अक्षय तृतीया जो होती है जिसे हम आखा तीज भी कहते हैं, यह बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन ये अक्षय तृतीया, ये आखा तीज का त्यौहार ये मनाया जाता है। और इसी दिन ही राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होने का भी प्रचलन है। अगला चौदस को नरसिंह खावे, जो नरसिंह जयंती है यह बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। अगला वैसे तू पूरो बुद्धू, बुद्ध पूर्णिमा जो होती है यह बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और अब तू यहाँ से क्यों ना जावे, ये दोस्तों बैसाख माह के त्यौहार को याद करने की एक ट्रिक है। ये दोस्तों आप सभी के लिए जो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हैं उन त्यौहारों को याद करने के लिए ये ट्रिक आप सभी के लिए बनाई गई है। दोस्तों आप एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि इन क्लासों का फ़ायदा, इन सेशनों का फ़ायदा उन्हें हो सके। और दोस्तों इस सेशन को लाइक करना ना भूलें।